आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। घरोंडा, बाइक चोर के मामले का खुलासा कर अपनी पीठ थपथपा रही पुलिस की सीआईए टीम की कार्रवाई पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शहर की भट्टा कॉलोनी निवासी दर्जनों महिला व पुरुषों ने जिला पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में सीआईए 2 के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर बेगुनाह युवक को फंसाने और छोड़ने की एवज में मोटी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि एक मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए भट्टा कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय रवि पाल अपनी मां बाला देवी के साथ बीती 23 अक्टूबर को सीआईए 2 के दफ्तर गया था। बाला देवी ने बताया कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे कहा कि वे पूछताछ के बाद उनके बेटों को छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस ने 8 दिन तक रवि को हिरासत में रखा और उसकी बुरी तरह से पिटाई की। उसके साथ जी बस चमारों के लड़के पकड़ गए जी, पांचा, और उन्होंने नाम ले दिया मेरे रवि का भी, पता नहीं मैंने 4 मोटरसाइकिल, और फिर बोले जी मां मैं जानती रही उस तक कपड़े दे के आई जी, 8 दिन भी तेरे रखे से आई मैं, कल करवाया जी, देखो जेल में ये कौन से 1 2 ने, हां 1 2 ना ये मैं कौन लेके गया था लड़के को, मैं लेके गई थी जी खुद, आप लेके आए छोड़ के गए, अच्छा जी, बोले उसमें तो नाम कटवाना, एक जो से पहले लड़के पकड़े गए थे नहीं उनकी माँ ने कहा मेरे छोरे था, दूसरा लड़का था ग्रुंडे का, उस पर था पाई थी जी पिस्तौल, वो तो 50,000 देगा छुट गया जी, और मेरे पे मैं मेहनत करूँ जी अपने बच्चे पालू थी, मेरे पे 1 रुपया नहीं देने खातर, अरे सारे छोड़ दिए जी, किसी 40,000 लेगा, किसी 50,000 लेगा, किसी 60,000 लेगा जी, और मेरा बेटा उड़ी गेर लिया मित्र। इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने व भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन एसडीएम मोहम्मद इमरान रजा को सौंपा। एसडीएम इमरान रजा ने आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सिटीजन्स ने, नागरिकों ने कुछ इस तरीके की शिकायत की है, कुछ लड़कों को उठाया गया था सीआईए के स्टाफ के द्वारा, और शिकायत कुछ इस तरीके की, उन पर नाजायज कुछ आरोप लगा के उनको उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, कुछ पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी केस दर्ज किया जा चुका है तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट विभाग द्वारा जो भी की जा रही है वो ये चाहते हैं कि ये शिकायत जो भी है पूरी पारदर्शिता से की जाए, और जिसमें इसमें जो भी झूठे आरोप हैं उनको हटाया जाए, और इनके जो बच्चे जो जो बेकसूर हैं उनको छोड़ा जाए। एएनटी नेशनल के लिए घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।